बी अटेंटिव, वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट टू रिवाइज दिस टॉपिक, राइट? सो वी आर डिस्कसिंग द रेलवे सेक्टर. वी विल डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द रेलवे सेक्टर, इश्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बजट इनिशिएटिव्स, रिकमेंडेशंस ऑफ द विवेक देबरॉय, अनिल काकोडकर, सैम पित्रोदा एंड नीति आयोग. ठीक है, सो सम ऑफ द फैक्ट्स. 68,000 किलोमीटर रूट, थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द रूट अंडर सिंगल मैनेजमेंट. 13,000 पैसेंजर ट्रेन्स, एट्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, 1.3 मिलियन एम्प्लॉइज, 14 PSUs, RDSO इज द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड इन 2017. लार्जेस्ट पैसेंजर एंड फोर्थ लार्जेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टिंग रेलवे सिस्टम. शेयर ऑफ रेलवे इन द सरफेस ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट इज डिक्लाइन फ्रॉम 86% इन 50 टू 33% इन 2015. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इट ऑक्यूपाइज 15% ऑफ द रूट एंड 52% ऑफ द ट्रैफिक, 58% ऑफ द फ्रेट लोड. एक्सपेंडिचर ऑन द रेलवे हैज बीन डिक्लाइनिंग. नाउ व्हाट आर द इश्यूज, क्या इश्यूज है वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यूज वी कैन डिवाइड इनटू ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इश्यूज हाईलाइटेड बाय द डिफरेंट कमिटीज. ऑपरेशनल इश्यूज, नंबर वन, आउटडेटेड ट्रैक्स, कोचेस, स्टेशंस, कैपेसिटी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी लेस, पुअर फ्रेट ट्रेन स्पीड जस्ट 24 किलोमीटर पर आवर, नेग्लेक्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पुअर मेंटेनेंस फोकस, सोशल ऑब्लिगेशन, रीजनल इंबैलेंसेस, सरप्लस मैनपावर, क्रॉस सब्सिडाइजेशन. सो इनसाइड द फाइनेंशियल इश्यूज वी हैव क्रॉस सब्सिडाइजेशन, अंडर इन्वेस्टमेंट. सीएनजी टोल्ड 192 आउट ऑफ 442 प्रोजेक्ट गोट कंप्लीटेड इन मोर देन 16 इयर्स. कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज क्रिएटिंग द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल अफेयर्स. कॉम्पिटिशन फ्रॉम द रोड एंड रेलवे, सो रोड एंड एयरवे एंड स्टैग्नेंट फेयर्स. इन द रेगुलेटरी इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रेलवे मिनिस्ट्री एंड द रेलवे बोर्ड, लैक ऑफ सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रेलवे सेक्टर, सेंट्रलाइज हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रैक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स पावरफुल वर्कर यूनियन एंड स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट कैडर्स. देर इज करप्शन एंड लैक ऑफ एम्पावरमेंट एट द लोकल लेवल. नाउ लेट अस सी द अदर इश्यूज हाईलाइटेड बाय द डिफरेंट कमिटीज. सो विवेक देबरॉय कमिटी हैज हाईलाइटेड दैट प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज द पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन एंड ऑपरेशन ऑल आर अंडर वन सिंगल बॉडी एंड दिस मिनिस्ट्री इज नॉट अलाउिंग प्राइवेट सेक्टर एनफ स्पेस. देन देर आर फाइनेंशियल इश्यूज विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन दिस अकाउंटिंग सिस्टम इज कैश बेस्ड. नाउ अनिल काकोडकर कमिटी ऑन द सेफ्टी, इट हाईलाइटेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअर, लैक ऑफ एम्पावरमेंट एट द फंक्शनल लेवल, देन फाइनेंशियल स्टेटस इज पुअर, द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी. नाउ व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेलवे. ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन इट हैज बीन सप्लाइंग द एसेंशियल सर्विसेस, राइट, थ्रू जय किसान स्पेशल फ्रेट ट्रेन्स, क्रिएटिंग द आइसोलेशन वार्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई, मास्क, सैनिटाइजर, आईआरसीटीसी किचन सप्लाइंग द फूड एंड श्रमिक स्पेशल स्टेशंस फॉर श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. इट हैज ऑल्सो कंप्लीटेड द मेंटेनेंस वर्क ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन. इन द बजट 2020 सोलर पावर पीपीपी बेस्ड स्टेशन रीडेवलपमेंट, मोर तेजस टाइप ऑफ ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, बेंगलुरु सबर्बन ट्रेन ट्रांसपोर्ट फोकस, किसान रेल, राइट, दीज आर द इनिशिएटिव्स. एंड आफ्टर दैट कन्वर्टिंग द लाइन इन टू द ब्रॉड गोज लाइन्स बाय 2020 इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स,
हाई स्पीड कॉरपोरेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, मिशन 41K, रेल वायर साथी, देन रेलवे यूनिवर्सिटी, श्रेष्ठ, सूत्रा, मोबाइल ऐप रेल साथी, रेल क्लाउड, निवारण ग्रीवेंस पोर्टल, दीज आर द इनिशिएटिव्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, व्हाट आर द सजेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव एज पर द नीति आयोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑग्यूमेंट द कैपेसिटी। नंबर टू, वी शुड इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। नंबर थ्री, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज लाइंस। एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन शुड बी एनहांस्ड टू 50 km/h एंड 80 km/h रेस्पेक्टिवली। सेफ्टी एंड 95% पंक्चुअलिटी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ डिफरेंट कमिटीज हैव बीन सेट अप, लेट अस सी द रिकमेंडेशन ऑफ द CAG। CAG सजेस्टेड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर सो दैट pricing, consumer satisfaction, competition, everything can be taken care of. Separate rail development fund, 6 dedicated freight corridors, infrastructure status to the station development. Bidek Debrayer committee suggested that 3 roles of policy making, regulation and operation must be separated so that private sector can participate. Independent regulator, which is a statutory body, not under the ministry. The zones should be restructured and more power should be given to the zonal level. The non-core activity should be reduce the cost and the double entry accounting, which is accrual based. Okay? So, separate regulatory authority, private sector participation. Now, Anil Kakodkar suggested that there should be separate statutory railway safety authority, a separate council, advanced signaling system, all level crossing should be eliminated and IFC coaches design should be converted into LHB design coaches. Sam Pitroda committee on modernization, it highlighted that more fund can be generated by utilizing the surplus land, raising the money from the financial markets, and this maintenance should be focused. Feeders to the DFC, attracting the private investment, real-time information system, more focus upon research through the Indian Institute of Railway Research, human resource management system, then Niti Aayog. Okay? So, this Niti Aayog you should remember. So, I will say you should remember at least two recommendations, Bidek Debrayer and Niti Aayog. Niti Aayog suggested that first, we should utilize the existing infrastructure. Secondly, we should make the structural reforms. Third, separate suburban passenger transport, rationalize structures and the subsidies, safety, advanced technologies, station cleaning be given to the private vendors, ease of doing business, right? So all these are the suggestions of the Niti Aayog. Okay? So you should remember the suggestion of at least Bidek Debrayer and Niti Aayog, and for the safety you should remember the suggestion of the Anil Kakodkar committee. Anil Kakodkar committee ke aap log suggestions likhenge.